दिल्ली से राजेंद्र यादव जी, स्वागत है आपका। नमस्कार मैडम जी। नमस्कार सर, बताइए सवाल क्या है। हकीम साहब को भी नमस्कार। जय हिंद सर, वेलकम। मैं मेरे दो तीन सवाल हैं मैडम। मैंने गोंद मोरिंगा मंगवाया था। हाँ। अपनी ग्रैंड डॉटर को उसकी हाइट कम थी। ठीक है, तो मैं आपको धन्यवाद करता हूँ कि अभी 1.5 महीना उसको लेते हुए हुआ है, उसकी 1.5 इंच हाइट बढ़ गई। अरे बहुत बहुत मुबारक भाई आपको। और दूसरा सवाल। मैं हकीम साहब आपको बताऊं, मैं कई सालों से फॉलो कर रहा था बाबा रामदेव को, योगा पोगा करता था, उनकी दवाइयां भी उन्हीं की लेता था, लेकिन मुझे कहीं कोई इफेक्ट नजर आया नहीं। चाहे वो कुछ भी बोलते रहे, बहुत खाते 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 भी थक लिए। अब मैंने आपका ये देख रहा हूँ कई दिनों से, तो मुझे बहुत पसंद आया और मैं नुस्खे सब नोट करता रहता हूँ जी। और बहुत बहुत हाँ, वो बिटिया को तो फायदा हुआ। अभी मैंने जैतून का सिरका मंगाया है। जैतून अच्छा। का सिरका ले रहा हूँ मैं, कल से ही लेना शुरू किया है। मेरा फैटी लीवर है जी, और कोलेस्ट्रॉल वगैरह ब्लॉकेज वगैरह हो सकती है, एक स्टिफनेस थोड़ी आ गई बॉडी में, ये जो पैर में नसवस चढ़ गई थी, स्टिफनेस आई, तो नसवस चढ़ी क्या जी, योगा करते करते वो शायद ज्यादा मुड़ गया। एज भी हो रही है, 68 मेरी एज है। तो वो उनकी कई महीने में दवाई खाता रहा, वो रोज कहते थे ये नहीं, हमने लॉन्च किए, ये किए ये किए, उनके वैद्य वैद्यों से ला करके खाता रहा, लेकिन वो मेरे उन्होंने कहा पैर मोड़ने नहीं है, आलसी पालसी मार के नहीं बैठना है, ये नहीं चलाना, वो नहीं चलाना, चलना भी नहीं है, तो मेरे तो और स्टिफनेस होगी, पैर उड़ने ही बंद हो गए बिल्कुल। एक तो मेरी ये प्रॉब्लम है जी। एक मेरी मेरी अपनी एक रिलेटिव है, उनकी 70 साल की एज है। वो बिल्कुल बेड पे है, घुटनों की वजह से बेड पे आई थी, लेकिन वो हर वक्त नींद आई रहती है, शरीर में वीकनेस है, अपने आप उठ भी नहीं पाती हैं। तो उनके लिए मैंने आपके यहाँ बात करके हेल्पलाइन में, वो एक डिंपल मैडम है, उनका नाम तो याद रहेगा क्योंकि डिंपल ऐसा नाम है जो नहीं भूला जाता। उन्होंने मुझे वो टी केयर कैप्सूल भेजे हैं, अभी आए नहीं, आने आ जाएंगे एक दो दिन में। टी केयर कैप्सूल और गोंद सिया, ठीक वो भोजा, तो मैं ये जानना चाह रहा था क्या उनको ये खिलाने से उनकी वीकनेस भी दूर हो सकती है। दर्द वर्द तो चलो दूर हो जाएंगे घुटनों के, वो तो मुझे यकीन हो गया कि दर्द तो जरूर दूर होंगे, लेकिन वो क्या उठ पाएंगी बिस्तर से? ठीक है, तो ये तो दो तीन सवाल है। हाँ देखिए, एक तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, और बड़ा भगवान का शुक्र है कि बच्ची की हाइट बढ़ गई, और मैं बड़ा खुश हो रहा हूँ। और जब भी कोई मेरे साथ जुड़ते हैं, आप बहुत देर में जुड़े हमारे साथ, नहीं तो बहुत अच्छा लगता। कोई बात नहीं, ये नुस्खा जो आपके बच्ची को फ़ायदा किया, ये सब मैं प्रचार करिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारा काम यह है कि जिसको भी फ़ायदा होता है वो हमारे साथ जुड़ जाते हैं, और वो सब में प्रचार करते हैं कि इससे फ़ायदा होता है। तो बहुत मुबारक बच्ची के फ़ायदे के लिए। और देखिए, जो स्टिफनेस आ जाती है आपके पैरों में, इसको भी फ़ायदा होना मुमकिन है, खुशखबरी है। और वो जो बुज़ुर्ग हैं महिला, उनको भी फ़ायदा हो सकता है अगर उनमें हौसला होगा। उनका सब कुछ टेस्ट कराते रहें, क्यों इतना सोती हैं, क्या वजह है। और गोंद सिया आधा आधा ग्राम देना, और आप भी ले लीजिए खाने के बाद, बगैर चर्बी के दूध से लें दोनों लोग, तो कैसा ही स्टफनेस हो, खिंचाव होता है पैरों में। एक्चुअली लोग समझ नहीं पाते ये खिंचाव होता है पैरों में, स्टिफनेस आती है, या दर्द होता क्यों है। दुनिया के ज़्यादातर दर्द कमर में नसें दबने से होते हैं, याद रखना ये बात। 95% दर्द जो हैं कमर में नसें दबती हैं, और मर्ज होता है यहाँ। हम पिंडलियों को देखते हैं, अरे कितनी खिंच रही हैं, कितना दर्द है, लेकिन ये मर्ज यहाँ नहीं होता। ये यहाँ थाईज में खिंचाव होता है, यहाँ नहीं होता मर्ज, कमर में होता है। तो ऐसे लोगों को वज़न नहीं उठाना चाहिए, और वेस्टर्न टॉयलेट का यूज़ करना चाहिए, कुर्सी वाला शौचालय, ये बस परहेज है।
और सब आप खूब चलिए, खूब करिए, सब काम करिए, मेहनत ज़्यादा नहीं करें बस, ये हमारी तरफ से परहेज है। तो मैं दुआ भी करूँगा इन बुज़ुर्ग खातून के लिए, महिला के लिए, और आपके लिए भी, ये गौंसिया आधा आधा ग्राम आप लेना शुरू कर दीजिए दिन में 2 बार, पानी के साथ या बगैर चर्बी के दूध के साथ। आप देखेंगे कि फ़ायदा तो ये 4-5 दिन के बाद करती है, किसी को 1 दिन में भी शुरू कर देती है, लेकिन मैं कहता हूँ भाई 5-7 दिन मुझसे कुछ मत कहो, और 1 महीने में एक ऐसा फ़ायदा जो आप महसूस कर सकते हैं, चाहे 20-30% हो, चाहे 50% हो, ये आप शुरू करें और जुड़े रहिए हमारे साथ। हमें बहुत अच्छा लगेगा जब आपको जो भी फ़ायदा होगा फिर आप लोगों को जोड़ेंगे कि भाई इन दवाओं से फ़ायदा होता है। ये कच्ची दवाएं हैं, ये रॉ मटेरियल हैं, इनका असली लेना बहुत ज़रूरी है, फ़ायदा होना मुमकिन है।